हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल आर्ट ब्रेथ। मैं आपकी दोस्त मयूरी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको आलेखन बनाना बता चुकी हूँ, आज मैं आपको कलरिंग बताऊँगी और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं इसका आपको स्केचिंग बता चुकी हूँ। तो आलेखन जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कलर कॉम्बिनेशन से लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे अगर हमें आलेखन में क्वेश्चन आया है कि हमें तीन तीन कलर का यूज़ करके आलेखन बनाना है, तो हमें तीन कलर्स इसके अकॉर्डिंग लेना होता है। जैसे ये जो 8 कलर का सर्कल है, जो रेड, येलो और ग्रीन और ब्लू मेन कलर होते हैं, उनके दोनों मिलने से जो बीच के कलर बनते हैं, तो हमें 8 कलर मिलते हैं। तो हमें जब तीन कलर का यूज़ करना होता है तो हमें तीनों एक साथ में जो तीन कलर होते हैं ना, उनको लेना पड़ता है। जैसे हम ले रहे हैं, कोई से भी तीन कलर लेंगे, साथ वाले लेंगे, ऐसे नहीं कोई से भी ले सकते। जैसे रेड, ऑरेंज, पर्पल ले सकते हैं हम, या येलो, ऑरेंज, रेड ले सकते हैं, या फिर ग्रीन, और मतलब कोई भी तीन लेने हैं साथ में। और दो लेते हैं अगर तो आपने सामने के अपोजिट कलर्स, उनको विरोधी कलर भी बोलते हैं, अपोजिट कलर्स लेते हैं। तो मैंने तीन कलर्स कौन से लिए हैं? मैंने तीन कलर्स इसमें लिए हैं, ब्लू, रेड और पर्पल। मैं इन दोनों का यूज़ कर रही हूँ। और ब्लैक एंड वाइट को न्यूट्रल कलर बोलते हैं, तो इनको काउंट नहीं किया जाता। तो ब्लैक वाइट भी यूज़ करेंगे। और मेन हमारे कौन से कलर हैं? तो हमने लिया है रेड और ब्लू, और इनको ही मिला के हमें पर्पल कलर मिलता है। तो हमने रेड और ब्लू कलर ले लिया है। तो इसमें ब्लू के भी आप कोई से भी शेड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कोई भी, और रेड के भी शेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया। अब देखिए, मैं ये वाला ब्लू कलर लिया है। ये मेरे पास कैमलिन का आर्टिस्ट ट्यूब कलर्स है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, केक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और आलेखन को हम ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये कलर्स ले लिए हैं। और ये देखिए, ये रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, तो इनका कॉम्बिनेशन से हम आज आलेखन बनाने वाले हैं। और आपको मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ उसका बेस, कलरिंग, आउटलाइनिंग और सभी डिटेलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बेस कलर लेना है, तो हम बेस कलर लेने के लिए हम वाइट में थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लू कलर बना रहे हैं, तो हमें वायलेट कलर मिल रहा है। तो हम ये कलर आप इन्हीं कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। आप वाइट में थोड़ा सा रेड करके पिंक बेस भी कर सकते हैं, या ब्लू मिलाकर लाइट ब्लू बेस भी कर सकते हैं। तो मैं ये वायलेट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पूरे जो बेस है, बेस कलर में पूरा ये कलर मैं फिल कर लूँगी। मेन यही होता है, सबसे पहले हम बेस कलर फिल करते हैं, फिर उसके फ्लावर्स को कलर फिल करते हैं, मेन जो डिज़ाइंस होते हैं फ्लावर और लीव्स में कलर फिल करते हैं, फिर उनकी जो छोटी छोटी लाइनिंग्स हैं, जो हमारे कर्व्स हैं, उनको हम फिल करेंगे। बाद में फिर हम और डिटेलिंग में जाते हैं। तो पहले हम बेसिक कलर, तो ये हमारा बेस हो रहा है और ये हमने पूरा बेस फिल कर लिया है। बेस फिल करने के बाद हमने वाइट रेड में थोड़ा सा वाइट मिलाया, वाइट में रेड नहीं तो पिंक बन जाएगा, मैंने रेड में थोड़ा सा वाइट मिलाया, तो थोड़ा सा लाइट रेड कलर। तो मैं अभी बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि मैं जो पूरा कलर फिल कर रही हूँ, मैं चाहती तो शेडिंग भी हाफ कलर फिल करके और हाफ मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपल बना रही हूँ, तो आपको बेसिक बता रही हूँ, तो इसलिए मैं पूरा कलर फिल कर रही हूँ। मैंने लाइट रेड कलर लिया है, तो इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स में रेड कलर कर लूँगी और सारी लीव्स हैं जो उसमें वाइट में थोड़ा सा ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिलाएंगे, तो मुझे थोड़ा लाइट ब्लू कलर मिला है। तो हम ये ब्लू कलर कर लेंगे सारे में। तो हमें ये कलर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि कलर एक दूसरे कि अपोजिट कलर अपोजिट जाए। तो और ये एलिफेंट बनाया, तो इसको हम पूरा फिल नहीं करेंगे। तो हमने वाइट कलर फिल करने के बाद हल्का सा इसमें कोई भी रेड या ब्लू से शेडिंग कर सकते हैं। तो
तो मैं बहुत हल्के से इसकी ब्लू से शेडिंग करूँगी बस, इसको ज़्यादा कलर फिलिंग नहीं करेंगे पूरा। मेन डिज़ाइन हमारा क्या है, एलिफेंट है, तो इसको मैंने लाइन देकर हल्के से मिक्स कर दिया है और ज़्यादा पूरा कलर फिल नहीं किया। अब हमारी जो हमारे फ्लावर्स में हो गई है और पत्तियों में भी हो गया है कलर, अब हम इनकी जो डंडियां हैं जो भी दिख रही हैं उसमें हम कलर करेंगे। तो उसमें मैं डायरेक्ट ब्लू कलर ही यूज़ करूँगी, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं की है, जो डायरेक्ट ब्लू कलर था उसी को हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से हम पूरा कलर जितना भी हमारी बची है जो भी कलर के लिए, वो हम पूरा कलर फिल कर लेंगे। तो हमारी ये कलर पूरी फिलिंग हो गई है, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। तो बहुत प्लेन लग रहा है, तो हम रेड फ्लावर की डायरेक्ट रेड कलर से आउटलाइन कर रहे हैं। तो पहले हमने वाइट रेड में थोड़ा सा वाइट मिला लिया था, अब हम प्योर रेड का यूज़ कर रहे हैं, उसकी मोटी आउटलाइन दे रहे हैं फ्लावर्स की। तो ये आउटलाइन हम पूरे फ्लावर की कर लेंगे। इसी टाइप से हम फ्लावर जो पत्तियां हैं जो ब्लू कलर की, उसको भी डायरेक्ट ब्लू कलर से या ब्लू में हल्का सा रेड मिला लेंगे, तो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा कलर। तो उस कलर से हम देखिए इसकी भी आउटलाइनिंग कर रहे हैं, या फिर आप डार्क ब्लू कलर भी ले सकते हैं क्योंकि हम ब्लू शेड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सारी आउटलाइन ब्लू से कर लेंगे। तो ये हमने सारी देखिए इस टाइप से हम आउटलाइन कर रहे हैं, ये हमारी आउटलाइन हो गई है पूरी। अब हम इसकी फाइनल आउटलाइन करेंगे। तो फाइनल आउटलाइन करने के लिए कभी भी हम डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी किसी में भी आउटलाइन करें आप डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ ना करें, उसमें कोई सा भी थोड़ा सा कलर मिला लें। तो मैं रेड में थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ मिलाऊंगी। तो रेड में थोड़ा सा ब्लैक कलर करने मतलब तो एकदम अलग सा लुक आता है और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने इस पर क्या ऐसा किया है कि इतना सुंदर आलेखन बना है। तो अभी मैं एलिफेंट की आउटलाइनिंग दे रही हूँ, जो डिटेलिंग डिज़ाइन थी उसको आउटलाइनिंग दे रही हूँ। तो मैं ये ब्लू कलर से ही दे रही हूँ और इसमें कोई कलर नहीं है, डायरेक्ट ब्लू कलर से। अब हम ये फाइनल आउटलाइन कर रहे हैं, तो हम पूरी आउटलाइनिंग फाइनल पूरी आउटलाइनिंग कर लेंगे, जितना भी है हम पूरी सारी आउटलाइनिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे अपने आलेखन को। अभी बहुत प्लेन लग रहा है, तो हाईलाइट किससे करेंगे हम, ब्लैक तो हमने दे दिया, अब हम करेंगे वाइट कलर यूज़। तो देखिए अंदर जो आउटलाइंस हो गया, अंदर जो वाइट कलर था, तो मैं वाइट कलर की आउटलाइन दे रही हूँ और पत्तियों में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए कितना वाइट कलर देती, कितना सुंदर लुक आ गया, आप देख सकते हैं। तो हमने ये पूरा वाइट कलर से आउटलाइन दे ली। अब हमारा बेस बहुत खाली खाली लग रहा है, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बेस में हम थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना रहे हैं। आप चाहे तो पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस बनती हैं, तो मुझे मेरी फेवरेट तो यही है। तो अब्स्ट्रैक्ट राउंड सर्कल बिंदु करते जाओ, आप लाइनिंग्स कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर स्लाइंट लाइन कर सकते हैं, कोई भी मतलब बेस में बहुत हल्की हल्की उसका जो कलर है उससे थोड़ा डार्क कलर ले सकते हैं या लाइट कलर ले सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो थोड़ा सा उस पर वाइट कलर, और क्योंकि आपका जो फ्लावर्स हैं ये सब डार्क हैं, तो मैं इसलिए वाइट हल्का वाइट कलर से अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना रही हूँ। बीच में हमारा एलिफेंट लाइट कलर है, तो इसके आसपास मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी, जो पर्पल कलर था ना वही कलर लूँगी जो ये बनाया है। तो पर्पल कलर से बीच में मैं थोड़ी सी इसी अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो हमारा आलेखन एकदम भरा भरा और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता। अब देखिए जरा सी बेस पर डिज़ाइन बनाने से एकदम कितना सुंदर लुक आ गया है आलेखन में। तो बस यही होता है आलेखन को, आप कितना सुंदर सजा सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल तरह से आप अपने आलेखन को सजा सकते हैं। अब आप फ्रेंड्स बताइए कि ये आपको नॉलेज कैसा लगा आलेखन के बारे में, या फिर आलेखन
क्या होता है, मैंने जो भी जानकारी दी है उसके पहले के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो और आपको और भी कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग का कमेंट्स आता है उसका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, और ये डिज़ाइंस आलेखन है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये डिज़ाइन आप पहले भी बता चुकी हूँ कि डिज़ाइन आप किसी भी सरफेस पे बना सकते हैं अगर आपको आता है। और बाहर के आउटलाइन हम एकदम सीधी नहीं कर पाते इसलिए मैंने पहले डॉट डॉट किया है और फिर उनको बीच में ऐसे कर्व से मिला दिया है। तो हम आउटलाइन के लिए भी परेशान नहीं होना कि मेरा मोटी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आउटलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। फाइनल आउटलाइन जो होती है बाहर की, बहुत अगर वो ख़राब हो गई तो पूरा आपका आलेखन सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके उसको आउटलाइन दिया है। तो देखिए आपको ये कैसा डिज़ाइन लगा, ज़रूर मुझे कमेंट।